कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को विजन लेस करार दिया है। कौशल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने बीजेपी डॉक्यूमेंट को दृष्टिहीन कहा और इससे जनता को भ्रमित किया जा रहा है। कौशल ने कहा कि रोजगार को लेकर भी युवाओं को लॉलीपॉप दिया गया है, तो किसान बागवानों के लिए भी मुंगेरी लाल के सपने विजन डॉक्यूमेंट में दिखाए गए हैं, जो कि हास्यप्रद हैं। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने बीजेपी विजन डॉक्यूमेंट को लेकर तीखी टिप्पणी की है, तो बीजेपी में नेतृत्व को लेकर भी चुटकी ली है और कहा है कि हिमाचल में बीजेपी का कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, जिससे बीजेपी पार्टी विखराब में है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पूरी कमान दे रखी है और प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस रिपीट होगी। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मुकाबले का कोई भी नेता बीजेपी में नहीं है और आज बीजेपी भी वीरभद्र सिंह के नाम से बौखला रही है। कौशल ने कहा कि बीजेपी पार्टी आदर्श आचार संहिता का भी खुलकर उल्लंघन कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा है। मेरे मुख्यतः दो मुद्दे हैं। पहला तो जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र, जिसको विजन डॉक्यूमेंट का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उसके विषय में मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, चर्चा करना चाहता हूं। जिसको विजन डॉक्यूमेंट नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा, इससे बड़ा विजनलेस डॉक्यूमेंट मैंने अपने जीवन में कोई नहीं देखा। देयर इज नो विजन इन दिस विजन डॉक्यूमेंट। जहां तक प्रदेश हित की बात है, प्रदेश के विकास की बात है और प्रदेश के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके उत्थान की बात है, उसके विषय में ये डॉक्यूमेंट भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से अस्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं उनके विषय में कहा है कि साल में एक बार भाजपा अगर सत्ता में आती है तो रोजगार मेला लगाएगी। ये बड़ा हास्यास्पद सा विषय है। क्या मेलों के माध्यम से रोजगार मिलता है? रोजगार देंगे कहां से, उसका सृजन कैसे होगा, सोर्स क्या होगा, उसके विषय में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कोई चर्चा नहीं की है, कोई बात नहीं की है। ये एक गोलमोल सा, एक लॉलीपॉप हिमाचल प्रदेश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने देने की कोशिश की है, और जब इसमें मेला शब्द जोड़ दिया, ये अपने आप में एक हास्यास्पद विषय बन गया।